तरीके से आप स्मूथली बहुत अच्छे से कर्ल्स कर लें। यू कैन सी कैसा इसका लुक क्रिएट हुआ है। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप जो है इनके साथ सेट करते जाएंगे, लाइन टू लाइन आपने एडजस्टमेंट करनी है। इसी मेथड के साथ आपने ऑल ओवर जो हमारी काशी लड़ी है उस पर आपने डिजाइन करना है, ट्विस्ट करना है इस वे में, ठीक है, लाइट्स आपने ट्विस्ट करना है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ फिर इससे होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही स्टाइलिश सा मैसी रॉब स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ईजी टेक्निक से आप शेयर करूँगी। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कहीं से कोई टेक्निक आप मिस ना करें और ईजी वे में बहुत स्टाइलिश है ये मैसी रॉब स्टाइल आप सीख सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ से एयर टू एयर सेक्शन करने के बाद आपने इधर वाले सेक्शन से सी सेक्शन को लेना है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट से आपने बैक वॉर्म करनी है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन आपने स्टफिंग यूज़ करनी है, ठीक है, आपके पास डोनट जो होता है उसको कट करके आप इस तरीके से रोल करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकती हैं, ठीक है, स्टफिंग के लिए, जिससे हमारी हाइट भी अच्छी आ जाती है और बैक वॉर्मिंग भी बहुत ज़्यादा हमें करनी नहीं पड़ती, ठीक है। वॉल्यूम जिनके कम हो तो उनके लिए भी आप ये स्टफिंग यूज़ कर सकती हैं। देन आप क्रॉस में हेयर पिंस को फिक्स कर देंगे ताकि आपका स्टाइल यहाँ पर बैक वॉर्मिंग का जो है वो फिक्स हो जाए। फोर पिंस का मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि फिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से। सो व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, जो सेंटर वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें से आपने यहाँ से डिवाइड कर लिया टू सेक्शंस में, ठीक है, आपने टू सेक्शंस में जो है अपने हेयर्स को डिवाइड कर लिया और जो ये वाला सेक्शन था हमारे फ्रंट वाले हेयर्स में से उसमें आपने लाइट सी लाइक दिस इतनी जस्ट आपने बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एडजस्ट करनी है काशी लड़ी। काशी लड़ी आपके पास जो भी अवेलेबल हो हेयर की मैचिंग के लाइक आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास ये वाली है, इसको मैं एडजस्ट करूँगी सेंटर से, ठीक है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूँगी और क्रॉस में पिंस का यूज़ करके इसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी। यू कैन सी मैंने कैसे एडजस्ट किया है। अब इसको जो है इक्वली इसको सेट कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये वाले हेयर साइड पर किए थे आपने उनकी स्टाइलिंग करनी है। जो हमारे फ्रंट वाला सेक्शन है उसको हम फ्रंट पर ही रखेंगे। अब आपने यहाँ से सेक्शन को लेना है, यहाँ से आपने सेक्शन लिया है, आप देख सकते हैं मैंने कितना सेक्शन लिया है। मेरे पास रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ कर्ल्स के लिए। सो आपने क्या करना है, फिनिशिंग के साथ यहाँ से टर्निंग देनी है लाइक दिस और आपने इसको बहुत अच्छे से स्मूथली आपने लेंथ तक टर्न कर्ल्स करने लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से आप स्मूथली बहुत अच्छे से कर्ल्स कर लें। यू कैन सी कैसा इसका लुक क्रिएट हुआ है। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप जुड़ा पिन के साथ सेट करते जाएंगे, लाइन टू लाइन आपने एडजस्टमेंट करनी है ताकि आपकी स्टाइलिंग जो है वो साथ साथ डन होती जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे इसके ऊपर से ही सेट करना है और एडजस्ट करना है, ठीक है। अगेन आप सेक्शन लेंगी ये वाली साइड से, इसको भी लाइट सा आपने फिनिशिंग देनी है और आपने इसको टर्न कर्ल्स करना है बहुत स्मूथली, आपने टिप तक कर्ल्स करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कर्ल्स हो रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगी इस वे में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे जुड़ा पिन का यूज़ करूँगी। यू कैन सी इसका लुक कैसा क्रिएट हो रहा है। अगेन सेक्शन लूँगी यहाँ से फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे टर्निंग दूँगी और टर्न कर्ल्स करूँगी। टिप तक आपने कर्ल्स करने हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी स्टाइल है और बहुत स्टाइलिश सा ये हमारा हैवी सा जो है मॉडल लुक हेयर स्टाइल है जो कि आप पार्टी लुक में बना सकती हैं। लाइन टू लाइन आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है लाइक दिस, ठीक है। अब आपने यहाँ से सेक्शन को लेना है, फिनिशिंग देनी है और आपने इसको टर्न कर्ल्स करना है, ठीक है, और आपने इसको सेट करना है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग करेंगी, जुड़ा पिन की हेल्प से आप सेट करेंगी इसको। यहाँ से अगेन सेक्शन लेंगी आप फिनिशिंग के साथ, आपने इसको यहाँ से टर्निंग देनी है और इसको ट्विस्ट करना है लाइट सा टर्न करने के बाद, इसको आपने यहाँ पे सेट करना है। इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, आपने जुड़ा पिन को अच्छे से फिक्स करना है ताकि आपका स्टाइल बहुत अच्छे से जो है वो फिक्स होता रहे साथ साथ। अगेन यहाँ से सेक्शन को लेंगी आप,
फिनिशिंग के साथ आपने इसको ट्विस्ट करना, टर्न आउट करना है स्ट्रेटनर में और बहुत अच्छे से कर्ल्स करने हैं। सेटिंग आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ करती जा रही हूँ और ये बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। इसी मेथड के साथ आपने ऑल ओवर जो हमारी काशी लड़ी है उस पर आपने डिज़ाइन करना है और ये बहुत स्टाइलिश सा हमारा जो है स्टाइल लगता है मैसी रॉप, जो कि बहुत इजी भी है और बहुत स्टाइलिश भी है। सो आपने लाइन टू लाइन कर्ल्स करते जाना है बहुत स्मूथली। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन आपने इसको टर्न आउट देना है और बहुत अच्छे से स्मूथली आपने इसको सेट करना है। यू कैन सी कि हमारा लुक जो है कितना ब्यूटीफुल सा क्रिएट हो रहा है साइड से भी और बैक से भी। अगेन हम सेक्शन को लेंगे साइड से, अगेन हम टर्निंग करेंगे। बहुत इजी है, देखने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा बट ये बहुत स्टाइलिश सा हमारा रॉब स्टाइल है जो कि बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। आपने इस तरीके से इसको सेट करते जाना है ऑल ओवर रॉब पर। जिनके वॉल्यूम कम हो उनके लिए ये स्टाइल तो बहुत बेस्ट है क्योंकि आपने जस्ट काशी लड़ी को एडजस्ट करना है और थोड़े थोड़े हेयर्स को लाइन टू लाइन एडजस्ट करना है कर्ल्स करके रॉब के ऊपर ही, जिससे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी कितना अच्छा हेयर्स पर आया है। तो लाइन टू लाइन आपने एंड तक ही सेम मेथड से एडजस्ट करनी है। आप ये मायो ब्राइट पर भी, मेहंदी ब्राइट लुक में भी और निका ब्राइट लुक में भी स्टाइल दे सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। नाइट के दुपट्टे जो होते हैं उन पर ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बैक से आपका स्टाइल जो है वो इनहेंस होता है। सो लास्ट वाला सेक्शन है बोथ साइड्स में, उनको एडजस्ट करूँगी सेम मेथड से। साथ साथ ही कर्ल कर लूँगी इनको क्योंकि लास्ट ही रह गए हैं, देन मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपके पास शो होती रहें और आप बहुत अच्छे इजी वे में स्टाइलिंग सीखते रहें। सो आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, देन आप इसको सेट कर लें इक्वली और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी रॉब जो है वो रेडी हो गई है बैक से। अब हम फ्रंट पर साइड सेक्शन करेंगे हम, ठीक है। साइड सेक्शन करना है आपने इस तरीके से, जिग जैग आपने पार्टिंग करनी है फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेक्शन को लेना है यहाँ से, ठीक है। जस्ट एडजस्टमेंट आपने करनी है इसमें बहुत अच्छी सी, लाइन टू लाइन। आप पहले फ्रंट वाले सेक्शन को बहुत जो है वो अच्छे से कर्ल्स कर लें, टिप तक आपने कर्ल्स करने हैं, अच्छे से आपने टर्निंग करनी है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आप टर्न कर्ल्स करते जाएं। अगेन यहाँ से टर्न कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी अच्छी टर्निंग हो जाए। यहाँ से सेक्शन लेंगे और इसको भी हम टर्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने टर्न करना है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ टिप तक कर्ल्स करने हैं। अब आपने इसको एडजस्ट करना है कैसे, बैक पे आप इसको सेट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सेट करना है, ठीक है, टर्न करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो व्यूअर्स, लाइन टू लाइन आपने देखा कि कर्ल्स हमने कर लिए थे तो हमें जो है वो गाइडलाइन मिल गई है, उसके साथ ही हम इसकी टर्निंग करते जा रहे हैं और एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसको भी हमने टर्न करना है, ट्विस्ट करना है और इसके साथ एडजस्ट करना है। लास्ट वाले सेक्शन को भी हम बैक पे ही लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। सो व्यूअर्स, फ्रंट वाले सेक्शन को हमने लेना है और यहाँ बैकवॉर्मिंग करनी है टू पार्टिंग में करने के बाद। इस तरीके से रूट्स पे बैकवॉर्मिंग करनी है आपने, ठीक है। फिनिशिंग देनी है, देन आपने इसको बहुत अच्छी सी टर्निंग देके एक टर्न कर्ल्स करना है ये वाली साइड से। ये वाले हम कर्ल्स फ्रंट पे निकाल देंगे।
आयरन से हम इसको टर्न कर्ल्स करेंगे। लाइट्स आर जस्ट टिप पर, ठीक है। मेरे पास प्राइम प्रो एक्सट्रीम का स्प्रे है, उसको मैं लाइट सा करूँगी, ठीक है। देन मैं फिनिशिंग दूंगी ये वाले कॉम से, ठीक है, जो कि मोस्टली अवेलेबल होता है सबके पास ही। सो आपने इसके साथ फिनिशिंग देनी है और आपने इसको सेट करना है। आपने लाइंस को प्रोमिनेंट करना है, और उसको लाइट्स आपने ट्विस्ट करना है इस वे में, ठीक है। लाइट्स आपने ट्विस्ट करना है और इन साइड इसके वाले जो हमारे पास स्पेस था, हम इधर से इसको सेट करेंगे। लाइट से स्प्रे कर लिया है, अब हम इसको अगेन फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ से भी आपने सेक्शन को लेना है, ठीक है, और आपने स्मूथली यहाँ से टर्निंग देनी है कर्ल्स की, ठीक है, और बहुत अच्छे से टिप तक ही आपने कर्ल्स करने हैं, ठीक है। यू कैन सी मैं कैसे कह रही हूँ, बहुत ईजी है। अगर आपका स्ट्रेटनर नहीं है तो आप कर्लर से भी कर सकते हैं, वन बाय वन करके लेकिन आप कर्ल्स कर लें, ठीक है। देन आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगी तो बहुत ईजी होगा आपको एडजस्ट करना, ठीक है। फ्रंट के हमने कर्ल्स छोड़ दिए हैं जो हमने फ्रंट पे रखने हैं। ये लास्ट वाला सेक्शन है, इसको भी हम अच्छे से टाइट कर्ल्स करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके आपके स्टाइलिंग शेयर करूं, सो आप प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूं कि आपके साथ कनेक्ट रहूं और आपके साथ इसी तरीके से स्टाइलिंग शेयर करती रहूं। सो अब आपने क्या करना है, यहां से सेक्शन को लेना है, जैसे हमने उस वाली साइड पर ट्विस्ट किया था, जो हमारे कर्ल्स हैं हमने उन्हीं को ट्विस्ट करके यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। हेयर पिन की हेल्प से हम इसके साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट सेक्शन है उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से इसकी टर्निंग देकर और लाइन टू लाइन एडजस्ट किया है बैक की स्टाइल के साथ ही, ताकि हमारा स्टाइल ऑल ओवर जो है वो बहुत इक्वल और जो है ब्यूटीफुल लगे। सो हमारा बैक से और फ्रंट से डन हो चुका है, हमारे ये वाले हेयर्स उनको टर्न कर्ल्स करेंगे। सेक्शन में हम इनको डिवाइड करेंगे और अच्छे से टाइट कर्ल्स करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास फिंगर रॉड है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके से आपने टाइट कर्ल्स करने हैं। अगेन सेक्शन को लेंगे, अगेन हमने ये वाले पार्ट को भी लेना है और इसको भी अच्छे से टर्न कर्ल्स करने हैं। मेरे पास ये पर्ल्स हैं जिनको मैंने इनविजिबल में एडजस्ट कर लिया है, इस तरीके से इसको टर्न कर लूँगी ताकि हमारे अच्छे से फिक्स हो जाए। सो मैंने लाइन इसको जो है मैं डिज़ाइन करते हुए एडजस्ट कर लूँगी ऑल ओवर अपनी रॉप पर, ठीक है, जिस तरह आपको इसकी डिज़ाइनिंग करनी हो, या अगर आप फ्लावर एडजस्टमेंट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा स्टाइल जो है मैसी रॉप का मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप फ्रंट से भी और बैक से भी बोथ साइड्स आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा हमारा ये लुक जो है डन हुआ है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत स्टाइलिश सा है। और आप इसके साथ जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहें कर सकती हैं, मैंने बीट्स की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर की थी। आज का मेरा स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।